डियर स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड का 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। इस अपडेट से आपको अपडेट करने के लिए ये मैं ये वीडियो के द्वारा आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल है उसने इस वर्ष परीक्षा के पैटर्न में विशेष बदलाव किया है। ये बदलाव क्या है ये जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहें। और अगर आज हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपकी एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई कोई भी जो भी अपडेट्स है वो आपसे छूटे ना, आप अपडेट रहें। तो चलिए हम जानकारी शेयर करते हैं आपके साथ में। तो देखिए, सबसे पहले तो परीक्षा के पैटर्न में विशेष बदलाव किया गया है, जहां बोर्ड परीक्षा में छात्रों को कॉपियों में ही सभी प्रश्नों का जवाब लिखना होता था। पहले जो 100 नंबर का पेपर होता था या जितने ही मार्क का पेपर होता था, जैसे साइंस का 70 नंबर का, तो आपको वो पूरे ही आंसर कहाँ लिखने होते थे, कॉपी में ही लिखने होते थे। लेकिन इस साल स्टूडेंट्स को परीक्षा के दौरान OMR सीट दी जाएगी। इसमें छात्रों को जो बहुविकल्पी यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको लिखना होगा। अब देखिए, इस बार हर विषय के प्रश्न पत्र को 3 भागों में बांट दिया गया है। इसमें जो पहला वाला भाग है वो क्या है, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी है वो है विषय परक और तीसरी विश्लेषणात्मक, ठीक है। तो छात्रों को 50 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे। जैसे गणित विषय की बात करें तो गणित विषय में 50 प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे और परीक्षा में लिखने के लिए कॉपियां तो मिलेगी ही, साथ में 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हल करने के लिए एक OMR सीट दी जाएगी। और उस OMR सीट को आपको टिक करना होगा आधे घंटे के अंदर उस OMR सीट को आपको टिक करना होगा। और इसके बाद इसके पश्चात छात्रों को उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, जिसमें 20 प्रश्नों को निश्चित शब्द सीमा में हल करना होगा। और इस मुद्दे पर हाल ही में मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल जो है, माध्यमिक शिक्षा मंडल, उसके जो अध्यक्ष हैं आदरणीय राधेश्याम जुलानिया जी, उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं। ये चेंज जो किया गया है वो इसलिए किया गया है कि जल्दी से आपकी कॉपियाँ चेक होकर और उनका रिजल्ट आ सके। और बच्चों का रिज़ल्ट देरी होने से, जैसे 12th का रिज़ल्ट अगर लेट होता है तो वहाँ पर उनके भाई जो भी एडमिशन्स हैं कॉलेज के वो भी लेट होते हैं, उनका सत्र प्रभावित होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इस तरह का पैटर्न इस बार अपनाया जा रहा है, ठीक है। आगे इसी प्रकार के विशेष अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।